नई दिल्ली से खबर शामिल करते हैं, जहां पर भारत में बंदरों ने 6 साल कमसन बच्ची को दरिंदा सिर्फ इंसान की हवस का निशाना बनने से बचा लिया। भारतीय खबर असम वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया रियासत उत्तर प्रदेश में पेश आया, जहां बागपत के इलाके में एक शख्स 6 साल बच्ची को अपनी बातों में लगाकर साथ ले गया और उसे बरहना कर दिया। इस दौरान बंदरों ने उस शख्स पर धावा बोल दिया, जिसके बाद वो भाग खड़ा हुआ। बच्ची के वालिद ने पुलिस को वाकये की तफसील बताते हुए कहा कि बेटी घर के बाहर खेल रही थी, जब एक शख्स आया और उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। गली में लगे सीसीटीवी में मुस्कुरा शख्स को बेटी को ले जाते देखा गया। बच्ची जब घर आई तो उसने सारा वाकया बताया कि किस तरह बरवक्त बंदरों ने मुलजिम पर हमला कर दिया, जिससे वो बच्ची को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। बच्ची के वालिद ने बताया कि उस शख्स ने मेरी बेटी को ये धमकी भी दी थी कि अगर वो उसके साथ ना गई तो वो उसके बाप यानी मुझे मार डालेगा, अगर बंदर उस शख्स पर हमला नहीं करते तो मेरी बेटी मर जाती। मुतासरा बच्ची के वालदैन ने करीबी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवा दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि वो मुलजिम की शिनाख्त कर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही हैं। मस्कुरा शख्स दिखने में नौजवान लड़का लगता है, जो किसी और गांव से ताल्लुक रखता है।